एन एग्जाम्पल ऑफ दिस कोर्स जैसे कि रिवर गंगा, ठीक है, अब जैसे हरिद्वार में पहुंच जाती है, उसके बाद जब वो प्लेन एरिया से निकलती हैज़ दिस कोर्स बिटवीन कानपुर एंड अलाहाबाद, कानपुर से अलाहाबाद के बीच में जब रिवर गंगा होती है तो वो अपने मिडिल कोर्स में होती है। अब क्या है थर्ड कोर्स, ठीक है, द थर्ड स्टेज, द रिवर एंटर्स द लोअर कोर्स एंड जॉइंस अ बिगर वाटर बॉडी। जो रिवर है वो कहाँ पर, लोअर कोर्स में अपने एंटर करती है और बहुत बड़ी वाटर बॉडी जैसे ओशियन सी में ज्वाइन करती है, तब वो उसका थर्ड स्टेज होता है। फॉर एग्जाम्पल सी, द स्पीड ऑफ द रिवर इज एक्सट्रीमली स्लो, इस टाइम पर जो रिवर की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है एंड इट डिवाइड्स इंटू मैनी चैनल्स, और ये बहुत सारे चैनल्स को डिवाइड कर देती है, यानि कि बहुत सारे। दिस फॉर्म्स अ डेल्टा, और इससे क्या है डेल्टा बन जाता है, ट्रायंगुलर शेप नियर द माउथ ऑफ द रिवर। नाउ इसमें क्या होता है, एक डेल्टा ट्रायंगुलर शेप फॉर्म होता है, जब एक रिवर जाती है तो वो धीरे स्पीड पर हो जाती है, और ये बहुत सारी जगह पर जब ये स्ट्रीम्स निकलती है इसमें से तो ये एक शेप बनाती है डेल्टा, जिसको हम ट्रायंगुलर शेप बोलते हैं, नियर द माउथ ऑफ द रिवर, जब वो अपना किस में मिलती है, ओशन में या फिर सी में, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इस कोर्स का, रिवर गंगा फॉर्म्स अ डेल्टा एज इट फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल, जब रिवर गंगा जो है बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती है तो वो एक ट्रायंगुलर शेप में, जब उसका पानी डिवाइड हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पर होता है ये जैसे सी है, ठीक है, जब यहाँ पर क्या है ये रिवर आ रही है, ठीक है, यहाँ से रिवर आती है और ये दो पार्ट्स पे डिवाइड हो जाती है, ये ट्रायंगुलर शेप बनती है जिसको हम डेल्टा बोलते हैं, और ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। सो दिस इज़ योर चैप्टर, यू हैव टू कंप्लीट द वर्कशीट एंड द बैक एक्सरसाइज विच आई विल प्रोवाइड यू, एंड यू हैव टू सबमिट द आंसर्स ऑफ दोज क्वेश्चंस। थैंक यू क्लास।